ले लिया गया। अरे हमारे फिरोज की सारी जमीन तो फिरोज पावर हाउस में चली गई, गद्दारी और डांग वालों की जमीन जो है वो विकास भवन में और तमाम उसमें चली गई, और कंसर्न वालों की जमीन जो है वो डैम में चली गई, सारी परियोजनाओं में चली गई, सड़कों में चली गई, स्कूल कॉलेजों में चली गई। हमारे गांव के थोड़े बहुत एक दो खेत बचे हुए हैं, उनको भी ले जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, आज तक भी जमीन ली जाने का प्राविधान था तो रोजगार दिए जाने का प्राविधान भी था। जिस घर की जमीन ली जाएगी, जिस काश्तकार की जमीन ली जाएगी, और संविधान भी पढ़ा है मैंने, और हम जानते हैं कि मंत्री जी के कितना क्या वो है, उनका कैबिनेट का क्या वो है। हमारा निवेदन ये है कि मंत्री जी, अगर हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ का विधायक है, अगर वो अपनी जनता के बीच में नहीं जाता तो बहुत शर्मनाक बात है ये कि अपनी जनता से इस प्रकार से डर के मारे तुम दूर भाग रहे हो। ये कौन सा कार्यक्रम था? पब्लिक तो यहाँ पे है। अगर तुम्हें जनहित के कार्य करने हैं, जनहित के बीच में अपना मैसेज पहुँचाना है, सरकार का मैसेज पहुँचाना, तो यहाँ पे हमारी सैकड़ों जनता है, जनता के बीच में आने में आप क्यों कतरा रहे हैं? एक तो आप जबरदस्ती जो है हम पे थोप रहे हैं नगर पालिका का, जब जनता नहीं चाह रही है। आपका बीच में स्टेटमेंट आया था कि ये चंद विरोधी लोग हैं, हम विरोधी लोग नहीं हैं, हम शुद्ध ग्रामीण लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं और गांव के प्रवेश में जीने वाले लोग हैं। हमारे आपने जो है जो फिर संशोधन किया है उसमें भी आपने गड़बड़ कर दिया। एक तरफ हमारा मकान रहेगा, एक तरफ आपके नगर पालिका में हमारा खलिहान रहेगा, हम कहाँ अपने पशुओं को बांधेंगे और कहाँ हमारी माँ बेटी जो है खेती खलिहान करेगी? तो हमारा निवेदन है कि अभी भी वक्त है, आप जो है अपनी जनता की पीड़ा समझे और जनप्रिय नेता बने, भगाड़ू नेता मत बने, मत चुराइए जनता से मोह। ये जनता ने उत्तराखंड दिया है, आप लोग आज सत्ता पर काबिज हैं तो ये